फाइनल कर, परफेक्ट। फिर अंडे की जर्दी दोबारा से लेकर आपने इसके ऊपर अच्छे से कोट करना है। डन। और ट्रे लेकर फर्स्ट इसको अच्छी तरह से आप ड्राई कर लें, फिर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसको आप ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लें पैन पे। ठीक है, ग्रीस करने के बाद फ्लावर हल्का सा, और इस फ्लावर को आप पैन पे फैला दें। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से स्पीसीज को उठाकर, ठीक है जी, बेकिंग ट्रे के ऊपर रखना है। ठीक है, ये देखें तो सिंपल मज़ेदार सी जो आज की हमारी ये पिज़्ज़ा डेट्स रोल है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से इसको बनाया है तरीका। ठीक है, तो ट्राई आप सबने करना है, और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सबको पता है कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी हमारे चैनल के पेज पे जायका टीवी, ट्विटर पे फॉलो करेंगे जायका TFC, वेबसाइट है हमारी www.zaikatv.com.pk, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सर्च करेंगे www.zaikatv.com.pk/live.tv, कॉल कर सकते हैं, नंबर है 02138798938 के ऊपर। अच्छा जी, डो गूंदा है हमने, ठीक है जी, सिंपल ईस्ट नमक और चीनी और दूध के साथ। ठीक है जी, यहाँ पर इस तरह से बादाम और पिस्ता जो आपको ड्राई फ्रूट में टॉपिंग करनी है इसकी, आप टॉपिंग करें। और इसके बाद इसको भी हम ओवन में बेक होने के लिए रख देते हैं। ठीक है जी, ओके डन। साइड इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो ऑयल हमारे पास गरम होता है, जैसे ही हमने आगे क्या करना है, पीस एक टुकड़ा हम लेकर इसमें फ्राई करने के लिए शामिल करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। ठीक है जी, स्पाइसेस मुझे पप्पू अगर ला के दे दो बेटा। ठीक है जी, और ये तीन बॉल मेरे पास हैं, इन तीनों बॉल को हमने करना है इसमें फ्राई। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने बिल्कुल स्लो टेम्परेचर के ऊपर इसमें बॉल्स ऐड करने, और उसके बाद जब ये कुक जाएंगे अच्छे से, फिर उसके बाद गोल्डन ब्राउन कलर इसको आए तो आप निकाल कर इसको सर्व करें। तो यहाँ पे लेंगे छोटा सा क्विक से शॉर्ट सा ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे आकर आपको इनका रिजल्ट दिखाएंगे, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद, क्योंकि जायका इसी में।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस ब्रेक से वापस हमारे और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर फ्राई करके मैंने ये बॉल्स निकाल लिए थे, डेट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये मिक्सर लेकर थोड़ा सा, ठीक है जी, डेट्स का इस तरह से रखकर आपने, ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे रख देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपने ये क्रीम चीज, ठीक है, और थोड़ा सा बिल्कुल चॉकलेट सॉस ऑन टॉप इस तरह से डालकर इसको फाइनल कर दिया। ये आ गए जी आपके फ्राइड, ठीक है जी। और उसके बाद जो रोल थे हमारे पास वो इस तरह से आपने अगर नीचे से देखें परफेक्ट कलर आ चुका है इनको, और ऑन टॉप बेहतरीन ये कुक्ड हो चुके हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन इस तरह से, ठीक है जी। और ये अगर आप देखें तो अंदर से ये इस तरह से आपके बेहतरीन कुक्ड और सॉफ्ट एंड मॉइस्ट जो है ना आपके ये बॉल्स हैं वो डेट्स एंड क्रीम के साथ, ड्राई नट्स के साथ तैयार हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप बनाकर इसको इजीली घर पे एंजॉय कर सकते हैं। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी और कैसी लगी रेसिपी हमारी आज की। और जो बेक रोल है उनको थोड़ा सा टाइम हो रहा है, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप नॉर्मली इसको, मतलब जिस तरह से हमने इसको बेक किया था इसी तरह से आपने इसको 150 के ऊपर रख कर बेक करना है। थोड़ा सा टाइम और लगेगा और ये बेक होकर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एक दफ़ा डो की रेसिपी मैं आपको बता दूँ फिर से। पाउडर मिल्क, ठीक है जी, आपने इसमें शामिल करना है फ्लावर के अंदर, और उसके साथ जो है आपने पानी नीम गर्म करके उसमें आप शामिल कर देंगे जी, ईस्ट, शुगर और साथ में सॉल्ट, ठीक है जी। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे, ये मिक्सर तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने फ्लावर के अंदर मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर शामिल करके उसको एक तरफ कर लेना। फिर ये जो मिक्सर आपने बनाया है ये इसमें आप शामिल करेंगे और डो को अच्छे से गूंद लेंगे थोड़ा सा ऑयल शामिल करके, ठीक है जी। रेस्ट देना है 20-21 मिनट का। बनाने के बाद भी आप 15-1 मिनट का रेस्ट दें तो आपका डो जो है वो अच्छे से प्रूफ होगा, और जो वंस वो प्रूफ होगा फिर उसके बाद जब आप उसको बेक करेंगे तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त और खूबसूरत रिजल्ट आपके रोल का या बोल का आएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद शेप देने के बाद, वंस जैसे आपने शेप दे दिए क्रीम चीज और जो आपका डेट्स का मिक्सचर है, ठीक है जी, उसके साथ फिल करके ऊपर से आपने अंडे की जर्दी की कोटिंग करनी है, मीन की ग्रीसिंग करनी है, और उसके बाद आप ऊपर से ड्राई नट्स की ड्राई नट्स स्प्रिंकल कर देंगे, लाइक बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, जो आपका हॉट फेवरेट नट्स है, ड्राई नट है, वो आप उस पर चॉप करके स्प्रिंकल कर दें। तो इस तरह से बेक करने के बाद 150 के ऊपर रिजल्ट आपका बेहतरीन आएगा। तो ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी हमारी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी चैनल के पेज पे, जायका टीवी शो के पेज पे, क्लासी टेस्ट ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं @ZaykaTFC, वेबसाइट है हमारी www.zaykatv.com.pk, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सर्च करेंगे www.zaykatv.com.pk/live.tv। तो ये वो सारे जराए थे जिसके थ्रू आप हमसे हर वक्त कहीं पर भी किसी वक्त भी कनेक्ट हो सकते हैं। कॉल एक जरिया है, बट कॉल पे इंशाल्लाह आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सबने अपना, अपने प्यारों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने दोस्तों का, अपने यारों का, और अपने इस प्यारे से मुल्क पाकिस्तान का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे, मेरी पूरी टीम, जायका टीएफसी को रखना अपनी दुआओं में याद। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम शो में, कल नहीं होगी मुलाकात, मंडे को मिलूंगा सेम टाइम सेम शो में। तो मंडे तक के लिए खुदा हाफिज़।